Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. Daily vocabulary word is convention. It was a request by Sadaf Mushtaq, and Sadaf, here's your lesson. Convention is a noun and it has four different meanings. Let me explain them one by one. The first meaning, traditional way of behaving. देखें, हमारे behavior के वो तरीके जो कि society में accepted है, जिसको society समझती है कि ये correct है, ये ठीक है, उन behaviors को हम convention कहते हैं. जैसे कि ड्रेस कोड को एग्जांपल ले लें कि एक हमारी सोसाइटी हमें बताती है कि लड़कों को इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और लड़कियों को इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, तो वो कन्वेंशन है. इसी तरह से हमारी सोसाइटी में एक कॉमनली ये चीज़ एक्सेप्टेड है कि इस एज तक जो है ना लड़की की शादी हो जानी चाहिए, या इस एज तक जो है एक लड़के की शादी हो जानी चाहिए. तो ये कन्वेंशन है, मतलब बिहेवियर, वो बिहेवियर्स जो कि सोसाइटी समझती है कि ये करेक्ट है, सोसाइटी में लार्जली उन बिहेवियर्स को एक्सेप्ट किया जाता है, उन बिहेवियर्स को हम कन्वेंशन कहेंगे. ठीक है, इसका जो सेकंड मीनिंग है ट्रेडिशनल आर्ट. देखिए, जितनी भी आर्ट फॉर्म्स है ना, हर आर्ट फॉर्म का ना एक ट्रेडिशनल तरीका, एक स्टाइल है, एक मेथड है उस आर्ट फॉर्म को करने का. जैसे पेंटिंग हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, आर्किटेक्चर हो सकता है, एक्टिंग हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है, जितनी भी आर्ट फॉर्म्स है, हर आर्ट फॉर्म का एक ट्रेडिशनल तरीका है उस आर्ट को करने का. ठीक है, उसका एक ट्रेडिशनल मेथड है. वो जो एक ट्रेडिशनल मेथड है ना, उस मेथड को या उस स्टाइल को भी आप कन्वेंशन कहते हैं. ठीक है, इसका जो थर्ड मीनिंग है फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल. देखें, दो मुल्कों के दरमियान में या दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान में, कोई लार्ज या ग्रुप्स है उनके दरमियान में, अगर कोई फॉर्मल किस्म का एग्रीमेंट होता है, कोई साइन होता है किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी बात को लेके, तो उस फॉर्मल एग्रीमेंट को भी कन्वेंशन कहा जाता है. ठीक है, इसका जो फोर्थ मीनिंग है, अ मीटिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल अटेंड टू डिस्कस अ टॉपिक. ठीक है, एक मीटिंग होती है जिसमें कि बहुत सारे लोग जो है ना वो उसमें उस मीटिंग को अटेंड करते हैं. देखिए, एक तो नॉर्मल मीटिंग होती है जिसमें 5, 6, 3, 4 या 10, 12 लोग हों, लेकिन अगर बहुत ज्यादा लोग हैं, वो एक खास मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और उसमें एक खास टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है. ठीक है, तो उस मीटिंग को भी जिसमें कि लोग बहुत ज्यादा जो शामिल होते हैं उस मीटिंग में, उस खास टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, उस मीटिंग को भी कन्वेंशन कहा जाता है. आई होप कि आपको चारों जो कन्वेंशन के मीनिंग्स हैं वो समझ में आ गए होंगे. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. अ फर्स्ट एग्जांपल इज आवर सोशल कन्वेंशन सेज वुमन अवे मेन. कि हमारा जो सोशल कन्वेंशन है ना, सोशली जो एक वो जो तरीका है, एक बिहेवियर है जो लोगों में एक्सेप्टेड है, वो बिहेवियर ये है कि औरतें जो है ना वो मर्दों को ओबे करती है, उनकी उनकी हर बात मानती है. ठीक है, तो ये एक हमारा सोशल कन्वेंशन है कि सोसाइटी हमें ये बताती है कि इस तरह से बिहेव करना चाहिए. अ सेकेंड एग्जाम्पल इज एज एन आर्टिस्ट ही इज डिफाइंग द कन्वेंशंस. कि वो एक आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट होने के नाते वो जो कन्वेंशंस है उनको डिफाई कर रहा है, मतलब उनको रद्द कर रहा है, मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड्स एंड स्टाइल्स हैं उस आर्ट को करने के, वो उनसे हट कर काम कर रहा है, अपनी जो क्रिएटिविटी है वो उसके अंदर जो है वो ऐड कर रहा है, वो ट्रेडिशनल स्टाइल से हट कर अपने आर्ट को लेके चल रहा है. अ थर्ड एग्जाम्पल इज ऑल कंट्रीज साइन द कन्वेंशन ऑन ग्लोबल पीस. कि जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने उस कन्वेंशन को, कन्वेंशन यहाँ पे एग्रीमेंट के मीनिंग में जो है ना हो रहा है कि उन्होंने उस एग्रीमेंट को साइन किया ग्लोबल पीस से रिलेटेड, कोई एग्रीमेंट था और उस एग्रीमेंट को तमाम जो ममालिक थे वहां पर उन्होंने उसको साइन किया. अ फोर्थ एग्जांपल इज अ कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स वाज हेल्ड इन शिकागो. कि शिकागो के अंदर जो है वो एक मीटिंग हुई है, यहाँ पर अब कन्वेंशन मीटिंग के मीनिंग में है कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोई मीटिंग हुई है और उस मीटिंग जो वो मीटिंग जो हुई है ना वो शिकागो में हुई है. Okay friends, the lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video, and I see you next lesson. Allah Hafiz.